दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी के न्यूज यूम करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण जो है घटनाओं को हम लोग इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को कवर किया जाना संभव हो सके। तो आइए एक एक करके जो है हम इन सभी और महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम को जो देखते हैं। अभी हाल में ही राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप खेलों के आयोजन का निर्णय लिया गया है और यह खेल जो है नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। और यह किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2022 ईस्वी में, यानी कि 2022 ईस्वी का राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप खेल का आयोजन जो है वो 2022 ईस्वी में नागालैंड में किया जाएगा। इसी क्रम में जो है अगला जो महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम है मेरी ओर देखो जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह पहली बात तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह यहाँ पे जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है। तो मेरी ओर देखो जो है दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया एक महत्वपूर्ण पहल और कार्यक्रम है जो कि पर्यटन को जो है बढ़ावा देने से जो है संबंधित रहेगा। और इसी क्रम में जो है एक और महत्वपूर्ण जो है सूचना यह है कि अभी तक जो है खादी का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो है खादी का जो है ध्वज अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लद्दाख में फहराया गया है। तो इससे भी संबंधित सवाल पूर्व में जो पूछे जाते रहे हैं, तो ये जान लेना आवश्यक है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लद्दाख में फहराया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है न्यूज है देश की जो है स्वतंत्रता और दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है ध्वज क्रमशः जो है आरोहण और फहराया जाता है, जो कि लद्दाख में जो है ध्वज के रूप में इसे दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी जो है कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनता है। अगली महत्वपूर्ण जो सूचना है वो पाकिस्तान में किसी भारतीय महिला के द्वारा पहली बार सिविल सेवक के रूप में नियुक्ति की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान में पहली बार भारतीय महिला को जो है वो सिविल सेवक के रूप में नियुक्ति मिल रही है। सिविल सेवक, और इनका नाम क्या है? सना रामचंद्र इनका जो है नाम है सना रामचंद्र गुलमानी। यानी कि पाकिस्तान में किसी महिला के द्वारा पहली बार सिविल सेवक के रूप में जो है नियुक्ति प्राप्त की जा रही है, और उसका नाम क्या है? सना रामचंद्र गुलमानी उनका जो है नाम है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के संदर्भ में भारतीयों की जो है एक उपलब्धि है। तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है ऑपरेशन मित्र शक्ति। ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इस सैन्य अभ्यास से संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और इस वर्ष का जो ऑपरेशन मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त अभ्यास के रूप में हो रहा है, यह ऑपरेशन मित्र शक्ति का जो है आठवां संस्करण है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जा रहा है, और इसे ऑपरेशन मित्र शक्ति के नाम से जाना जा रहा है। इस बीच पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत ही चर्चा में रहने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम वन्य जीव सप्ताह रहा है, जिसे देख लेना आवश्यक होगा कि वन्य जीव सप्ताह विभिन्न प्रकार के जो है संस्थानों विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में जो है कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। और यह जो है 2 से लेकर के जो 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। तो इस तिथि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। वन्य जीव सप्ताह पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल और कार्यक्रम है जो कि 2 से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। तो यह भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक दो बार आप लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह खुद ब खुद जो है याद हो जाएगा। अगला एक पुस्तक का नाम है जंगलनामा
जंगल नामा ए स्टोरी ऑफ सुंदरबन, ए स्टोरी ऑफ सुंदरबन ये पुस्तक का जो है नाम है अमिताभ घोष के द्वारा ये किताब जो है लिखी गई है और इनके द्वारा पूर्व में भी लिखी गई किताबें जो परीक्षा में पूछी जा रही हैं महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये जो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और अगर डेली करंट अफेयर्स अपडेट किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, कम ही होते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्थान और महत्व को बनाने में सफल होते हैं। तो वन्यजीव सप्ताह जो कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता रहा, जंगल नामा यह अमिताभ घोष के द्वारा मनाया जाता रहा है। तो इस तरीके से अगर कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र से पर्यावरण के क्षेत्र से और जो भी वित्त के क्षेत्र से जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में पढ़ने का एक अप्रोच अगर आप लोग विकसित कर लेते हैं यानी कि पढ़ने के बारे में एक आदत डाल लेते हैं तो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को तैयार करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के इस लेक्चर में जो है कुछ इतने ही संक्षिप्त महत्वपूर्ण जो है जानकारी के साथ जो है हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। पुनः अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।